Then class 5th students, how are you students? Hope you all are fine at your home. Students, you know very well in the computer subjects, chapter 4 is going on. In this chapter students, today I taught you formatting tests. Okay? Students of class 5th, आज कंप्यूटर विषय के अंतर्गत चैप्टर 4 में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में जाना जाएगा, ठीक है? As you know students, चैप्टर 4 is based on your MS PowerPoint. Which application? MS PowerPoint application. Your chapter 4 is based on. So student, listen here. Firstly, you just open the MS PowerPoint. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर 4 आपका माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर आधारित है और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ये आपके चैप्टर 4 से लिया गया है. तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो डेवलप्ड है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इज डेवलप्ड इन व्हिच सॉफ्टवेयर? सो ऑफिस सॉफ्टवेयर. ओके, ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एमएस पावरपॉइंट एप्लीकेशन मिलता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन है और सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, ठीक है? सो ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एमएस ऑफिस है, ठीक है? तो फर्स्टली आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को ओपन कर लेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे. कहां जाएंगे? होम टैब. व्हेन यू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, देन यू जस्ट गो इन द होम टैब. ओके, व्हेन यू गो इन द होम टैब, आफ्टर दैट you choose the font group. Okay, font group में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं. ये ही रहा font group आपका. जैसे ही font group में देखेंगे तो ये screen आपके सामने मिलेगा इस तरह का, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहला option होता है students, ये केवल यहाँ तक, ठीक है? ये क्या होता है? Font style होता है. क्या होता है students? Font style. Okay, font styles we use to change the handwriting in the application. Suppose you are open your Microsoft PowerPoint slide and on that slide you want to change the handwriting style of a computer. Then if you want to change the font type of the computer, then you just go in the Microsoft Home tab. Rather than you just choose the font group. Font group, this option is available. In this, you just go in the font size. How we change the font size? Our topic is this. How we change the font size? कैसे हम font size को परिवर्तित करेंगे? तो students, इसके लिए बढ़ाने की जरूरत नहीं है. Don't be afraid. Okay? For changing your font size, you just choose the drop down option. ये drop down menu आपको दिख रहा है ना? एक तीर जो नीचे की तरफ गई है. एक तीर जो नीचे की तरफ गई है. जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, when you click over here, such and such types of handwriting font type option is available in the down side. You select any one and after that you will write the font. Okay. Second one is font size. Student, font size option is used to change the size of your font. Okay. Its default font size is default 7 to 82. Sorry, 8 to 72. 8 to 72. 8 से 72 होता है डिफॉल्ट स्टूडेंट. ओके, आफ्टर दैट इंक्रीज फॉन्ट साइज. इंक्रीज फॉन्ट साइज, दिस वन ऑप्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट. ओके, ओनली इंक्रीज. डिक्रीज फॉन्ट साइज, दिस वन ऑप्शन इज यूज्ड टू डिक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट. ये सब आकार बढ़ाने के लिए है अक्षरों का, और ये ऑप्शन आकार घटाने के लिए है. नेक्स्ट वन इज क्लियर फॉर्मेटिंग स्टूडेंट. क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर किसी भी फॉन्ट का आपने साइज चेंज किया होगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज की होगी, या उसे कुछ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किया होगा, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग द्वारा हटा दी जाती है. नेक्स्ट इज बोल्ड. बोल्ड इज यूज्ड टू मेक डार्कन योर वर्ड. डार्कन, ठीक है? क्या करने के लिए? डार्कन मतलब गाढ़ा करने के लिए. बोल्ड का यूज क्यों किया जाता है? डार्कन, गाढ़ा करने के लिए. I, students, I is an italic, okay? Italic is used to slanting the word, okay? शब्दों को तिरछा करने के लिए, slanting करने के लिए किया जाता है. U, U is used to underline the word, okay?
शब्द के नीचे रेखा खींचने के लिए किया जाता है। S S is used to shadow, okay? Sorry, S is used to shadow, okay? After that A B C stick to our option. Suppose that you want to cut it, then you just use A B C, okay? After that A B option is character spacing. दो लाइनों के बीच, दो अक्षरों के बीच कितनी दूरी रहनी है। And second last is change case. In the change case option is available two. Automatically small letters to convert to upper letter. It means capital letters and capital letters convert to the small letters by the change case. And last one is the font size. Font size is used to change the color of font. Students, if you have any types of question during the session, then you just write in the comment box. Thank you.